दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने आईसीक नाम की एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। इस कार्ड से डीयू के स्टूडेंट देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कई ब्रांड्स पर डिस्काउंट मिल सकेगा। ये वो कार्ड है जिसके जरिए आने वाले दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अलग अलग ब्रांड्स के सामान खरीदने पर उसमें डिस्काउंट पा सकते हैं। दरअसल ये नई कोशिश दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने की है, जिसमें उसने आईसिक नाम की कंपनी के साथ टाई अप किया है। इस टाई अप के बाद डीयू के छात्रों को 570 रुपए देकर उनके पूरे कोर्स के दौरान एक कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिससे वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अलग अलग ब्रांड्स पर छूट पा सकते हैं। उसको इससे इस कार्ड से सीधे तौर पे छात्रों को फायदा होने जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक एक छात्र को इससे फायदा होगा, और जो जिस छात्र के पास ये कार्ड होगा, एक तो जैसे आपने पहले कहा इंटरनेशनल लेवल पे एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा, दूसरा अलग अलग स्टोर्स पे जाकर वो डिस्काउंट मिलेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आइडेंटिटी कार्ड नाम की ये कंपनी मौजूदा समय में देश के कई स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये सुविधा दे रही है। कंपनी का कहना है कि वो जनवरी से इस कार्ड को लेकर डीयू में अपना कैंप लगाना शुरू कर देगी, जिसके बाद 570 रुपए देकर डीयू के स्टूडेंट्स इस कार्ड को बनवा सकते हैं। लेकिन छात्र संघ का कहना है कि वो कोशिश ये कर रहा है कि डीयू के स्टूडेंट्स के लिए इस कार्ड की कीमत पर 250 रुपए की छूट मिल जाए। आईसेक जो है 60 ईयर्स से ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में हमारा अभी जो बेस है वो कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हमारा जो मेन बेस है वो अभी नीदरलैंड्स में हमारा हेड ऑफिस है और एम्स्टर्डम में। इसके अलावा यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सिंगापुर में, न्यूजीलैंड में, इन सब जगहों पर हमारा बहुत ही अच्छा होल्ड है। और यूरोप के अंदर अभी इस टाइम हम 93% पे खड़े हुए हैं, जहाँ सारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं आईसेक। अब होपफुली वही हम इंडिया में भी करेंगे। जो भी ब्रांड्स इसमें जुड़े हुए हैं उनमें बुक से लेकर फूड, ब्यूटी और दूसरी तरह के कई प्रोडक्ट्स शामिल हैं। अब देखना होगा कि छात्र संघ का ये प्रयास स्टूडेंट्स को आखिर कितना पसंद आता है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांठपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।